कपाट सुबह 6:10 पर खोल दिया गया। कपाट खुलने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कपाट खुलने के कई दिन पहले ही भक्त यहां पहुंचने लगे थे। इस मौके पर मंदिर को 20 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के बाद सबसे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने दर्शन किए। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी भक्तों ने दर्शन किए। ऐसी मान्यताएं हैं कि ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा 6 महीने रहते हैं और इसके बाद वे अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में विराजते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में रहने के बाद बाबा की पालकी 26 अप्रैल को केदारनाथ के लिए निकल गई थी। यहां पहुंचने पर सबसे पहले डोली को मंदिर के अंदर ले जाया गया। इसके बाद वहां जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद बाबा के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। 2013 में आपदा से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार यात्रा को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है।